इससे पहले एक वीडियो में हमने रेजिस्टर के कलर बैंड के बारे में चर्चा किया है, लेकिन वो रेजिस्टर चार बैंड वाला कलर रेजिस्टर था, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है। यहां चार बैंड्स है, 1, 2, 3 और 4 बैंड्स। लेकिन जब रेजिस्टर में 5 कलर बैंड हो तो हम उससे उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा एक बैंड होता है, जैसे कि इस फिगर में देखें 5 कलर बैंड्स है, ये जो एक्स्ट्रा एक कलर बैंड होता है ये हमें क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ये भी हम देखेंगे। तो जैसे कि पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जब 4 बैंड वाला रेजिस्टर होता है, 4 कलर बैंड वाला रेजिस्टर, तो उसके पहले 2 बैंड्स ये रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स को, तीसरा जो बैंड होता है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, और ये जो चौथा बैंड होता है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को। और जब रेजिस्टर में 5 बैंड्स होते हैं तो पहले 3 बैंड्स ये रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट को, चौथा बैंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, और 5वां बैंड रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि पिछला वीडियो में मिस हो गया था, वो ये कि सवाल ये भी उठता है कि रेजिस्टर के कलर कोड को हम किस डायरेक्शन से पढ़ें। अगर आप यहां से इस डायरेक्शन से देखें तो पहले ये बैंड आएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन से देखें तो पहले ये रेड बैंड आएगा। तो कौन सा डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन से हम इन कलर बैंड्स को इवैल्यूएट करें या कंसीडर करें? तो हमेशा ध्यान रखें जो लास्ट बैंड होगा, जब 4 बैंड वाला रेजिस्टर हो या 5 बैंड वाला रेजिस्टर हो, तो जो लास्ट बैंड होगा उससे पहले काफी गैप रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लास्ट बैंड कौन सा है। अब देखिए, ये जो 4 बैंड वाला रेजिस्टर है ये हमें कितना रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करके दे रहा है, इसका जो बैंड है वो क्या बता रहा है। तो देखिए, जो रेड बैंड है इस फिगर से देखें उसका वैल्यू है 2, जब हम डिजिट में उसे कंसीडर करें तो यहां हो गया 2। और ग्रीन बैंड ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो यहां हो गया 5। ये दोनों डिजिट्स हैं, पहले 2 बैंड डिजिट्स हैं। तीसरा जो है ये है मल्टीप्लायर, यहां पर देखिए ये वायलेट है, तो वायलेट रिप्रेजेंट करता है 7 को, तो ये जब मल्टीप्लायर होता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10^7 को, तो यहां पर हो जाएगा 10^7 अर्थात 25 इंटू यहां 10^7। ये वायलेट बैंड हमें इंडिकेट कर रहा है 10^7। अब लास्ट जो है ये है सिल्वर बैंड, और ये टॉलरेंस इंडिकेट करता है। तो देखिए, जब बैंड सिल्वर बैंड हो तो ये टॉलरेंस जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 10%। तो हम कहेंगे कि ये जो रेजिस्टर है ये है 25 × 10^7 ओहम का, और इसका टॉलरेंस लेवल है 10%। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये वैरी कर सकता है 10%, अर्थात 25 × 10^7 से इसी का 10% अर्थात 2.5 × 10^7 ओहम ये डेविएट कर सकता है। सो इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 25 × 10^7 से इसी का 10% ऊपर नीचे। तो इसका जो 10% होगा ये हो जाएगा 2.5 × 10^7। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा 25 × 10^7 ±2.5 × 10^7 ओहम, अर्थात ये हो सकता है 27.5 × 10^7 ओहम हो, या फिर 22.5 × 10^7 ओहम हो।
सो ये वेरियंस बताता है टॉलरेंस कि ये कितना वेरी कर सकता है। सो रेजिस्टर जितना प्रिसाइजली बना हुआ होगा उसका टॉलरेंस लेवल उतना कम होगा। अब देखते हैं ये पांच बैंड वाला रेजिस्टर हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो हमने देखा था पहले तीन बैंड्स जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिए वो वैल्यूज क्या क्या है, रेड के लिए इससे पहले ही हमने देखा इसका वैल्यू है 2, ग्रीन के लिए इसका वैल्यू है 5, और ये देखिए थर्ड बैंड जो है ये ब्लू बैंड है और ब्लू जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ये है 6। यहां से देखिए इस फिगर में ब्लू 6 रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो फोर्थ बैंड है, ये फोर्थ बैंड ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, और ये वायलेट है, पिछले केस की तरह ये भी होगा 10^7, सो ये बन गया 10^7। और टॉलरेंस जो है ये सिल्वर कलर के लिए टॉलरेंस होगा 10% पिछले केस की तरह। तो हम कहेंगे इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है 256 × 10^7 ओहम, और इसका जो टॉलरेंस लेवल होगा ये होगा ±10% इसी का, तो ±25.6 × 10^7 इतना ओहम। तो इन चीजों से हम कह सकते हैं कि ये जो 5 बैंड वाला रेजिस्टर है ये थोड़ा ज्यादा प्रेसाइज है, ये थोड़ा ज्यादा प्रेसाइज वैल्यू कैरी कर रहा है। क्यों, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान ले हमने एक रेजिस्टर बनाया या हमने इवैल्यूएट किया उसका रेजिस्टेंस, और उसका रेजिस्टेंस है 132 ओहम। आप इसे 4 बैंड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 132 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास देखे दो ही डिजिट्स है, तो दो डिजिट से हम 1 और 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड डिजिट जो हम यूज करेंगे वो तो होगा मल्टीप्लायर, और इस 13 को 132 या उसके आसपास बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, सो 10^1। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 130। सो हम 130 ओहम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बैंड से, लेकिन 132 ओहम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब 132 ओहम को अगर रिप्रेजेंट करना होगा इस 2 के लिए, ये जो अंतिम डिजिट 2 है इसके लिए हमें एक और डिजिट का बैंड चाहिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे 5 बैंड रेजिस्टर, और ये जो तीसरा बैंड होगा ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक रेड बैंड होना चाहिए थर्ड बैंड जो कि इस 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने देखा कि ये 5 बैंड वाला जो रेजिस्टर होता है वो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करता है इन कंपैरिजन टू दिस 4 बैंड रेजिस्टर। रेजिस्टर में 6 बैंड भी हो सकते हैं। आगे के किसी वीडियो में हम देखेंगे कि जब रेजिस्टर में 6 बैंड्स होते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा छठा बैंड होगा, 6th बैंड होगा, वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी करेगा।